दमोह जिले के कादीपुर में श्री बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार लगा हुआ है। यहाँ पर जहाँ श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, वहीं दो दिवसीय दिव्य दरबार भी आयोजित किया जा रहा है। दिव्य दरबार के दौरान यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही और भक्तों के द्वारा इस दिव्य दरबार में अपनी हिस्सेदारी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। मालूम हो कि दिव्य दरबार में आने वाले हर एक व्यक्ति को बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही बालाजी महाराज की कृपा भी प्राप्त होती है। यही कारण है कि देश में जहां पर भी इस तरह के दिव्य दरबार आयोजित होते हैं, वहां पर भक्त बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच करके इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं और अपनी परेशानियों को दूर भी करते हैं। दमोह जिले के कादीपुर में आयोजित होने वाले श्री बागेश्वर सरकार के इस दिव्य दरबार को देखने के लिए लगातार ही लोगों का आने का क्रम जारी है और श्री बागेश्वर सरकार लोगों की समस्याओं को दूर करने में लगे हुए हैं और उनका सीधा कहना है कि बालाजी महाराज की कृपा से सब कुछ हो रहा है और सबको इसका लाभ भी मिलेगा। बागेश्वर बालाजी सरकार के इस दिव्य दरबार में बड़ी संख्या में कादीपुर में लोग सम्मिलित भी हुए। इसके साथ ही पत्रकारों से चर्चा के दौरान बागेश्वर सरकार ने क्या कुछ संदेश हम सभी के लिए दिया, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज। हाँ, आइए। चार बजे से कथा है, कौन कौन आएगा? बोले बागेश्वर धाम की। जागेश्वर कहलाते होंगे बाने कुलवा में, हमें कुंडेश्वर अलग है, जागेश्वर जागेश्वर। एक और बड़ी अच्छी खबर है, हर जगह से सबसे ज्यादा देर तक दरबार लगा है कादीपुर में। इतने में तो कभी घबरा हो रही क्या? तुम सुनीता नो, तुम पहली वाली नो, दोनों कहते बस भगवान 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 जय जय प्रभु प्रभु। आइए नजदीक आइए। बहन जी आप भी आ जाओ, आप बहन जी आपके पीछे पड़ी बहन जी को बुलाया जी। हाँ बिटिया, ये बच्ची जो साड़ी पहने आ रही, सिंपल तौलिया तुम बांधे, तुम आ जाओ बेटा, तू भी आ जा, तौलिया सिर्फ बता आ जा, कुर्ता पहने लाग वाला। बोलो सीताराम। इन बहन जी को बैठा दो, आप बैठ जाओ जी। दो घंटा तो चलेगा, ढाई घंटा तीन घंटा दरबार और आधा से एक घंटा चलेगा भूतों का दरबार। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर दी, जितने भूत बारे हैं तो उन्हें कल जी में बैठाओ जाए, कल जजमान यहाँ नहीं बैठेंगे, कथा भर की टाइम पर जजमान यहाँ बैठेंगे, बाकी कल डी जजमानों की खाली, यहाँ भूतों की भरी। सीताराम चलो अगला आदेश। आप आ जाओ जो है, इसीलिए इनको बुलाया था कि जिनके हाथ में दवाई हो आ जाए, क्योंकि ये उदार उठा उठा दवाई भी इनमें कठू नहीं करवाई, इनकी दवाई खोलना तो रुखड़िया वाली गांव की दवाई है, किराए हम रुपया ना दें तो गांव से जो रुखड़िया लेके आए, केवल एक बोतल वाले वो भी ताकत वाले, और बोतल में भी कोई ताकत नहीं है, जो रुखड़िया वाली दवाइयाँ हैं वो आ जाए। ये डी वाली ही है, डी वाली रोगी को रहने दो, रोगी को। अच्छा ठीक है, आइए आइए आइए, अब आइए।
ये तेरा सहयोग कर दो कोई एक उठ जाओ। बोलो बागेश्वर धाम की बोले हनुमान जी महाराज की। सभी लोग बड़े भाव से जयकारा लगाएंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, पेतरा सरकार की, हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम सरकार की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, हनुमान जी महाराज की। धाम की वर्तमान में तो श्री कांदीपुर हनुमान जी की शरण में बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार सजा हुआ है, जिसमें लाखों भक्तों की पीड़ाओं का निवारण श्री हनुमान जी महाराज अपनी दिव्य शक्तियों से कर रहे हैं और करवा रहे हैं। आने वाले समय में जहाँ जहाँ भी आगामी कथाएँ हैं, आगे 8 मई से 16 मई तक बिना मध्य प्रदेश में श्री राम कथा है, जहाँ पर 10 और 11 मई को 2 दिवस का बिना टोकन नंबर का दरबार लगेगा। उसके बाद 20 मई से 27 मई तक इंदौर मध्य प्रदेश में कथा है, वहाँ भी 22 और 23 मई को 2 दिन का बिना टोकन नंबर का दरबार लगेगा। धाम पर जब पहुँचेंगे तो धाम की जानकारी वहाँ से सार्वजनिक रूप से कार्यालय से की जाएगी। यही ध्येय है, जहाँ भी जाएँ बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करवें, सभी की अर्जियाँ स्वीकार हों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मनोरथ पूर्ण हो सके, दास का तो यही शिक्षा। भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? सनातनीय संस्कृति के लिए आप सब एकजुट हों, और यही संदेश है कि अगर आप एकजुट नहीं हो सकते, अपने हाथ में माला और भाला नहीं ले सकते, तो कोई अगर माला और भाला लिए हैं तो उनके साथ खड़े हो जाएं, ताकि उनकी ताकत बढ़े। गुरु जी, सनातन धर्म के लिए मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा आपके? मुख्य उद्देश्य प्रमुख तो है मानवता, तिलक, गौ माता का संरक्षण और घर घर रामचरितमानस का पाठ। महाराज जी, एक बात सामने आ रही है, बांदकपुर के जो अतिक्रमण को लेकर है, उसमें आपकी पोस्टर में जगह जगह फोटो भी लगाई हुई है जी, उसमें आप अतिक्रमण में है तो उसको हटना चाहिए या नहीं है तो नहीं हटना चाहिए? दयालु, इस पर हम यही कहेंगे, अभी तो आधिकारिक तौर पर हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि है कि नहीं, पर अंतर भावना में हमें ऐसा लग रहा, मनोभाव में कि है, और अगर है तो वो हटना चाहिए। जगह जगह अतिक्रमण हटा लिया गया जी, जो 2-3 बिल्डिंग बनी है मंदिर के द्वार के सामने जी, उनको हटना चाहिए या? अगर वो अतिक्रमण में है तो शासन प्रशासन को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भूत भावन महादेव के भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे, ये हमारे पूरे भारतवर्ष के संविधान का भी नियम है, और भारत के संविधान का नियम किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, तो हटना चाहिए अगर अतिक्रमण है तो। दीक्षा समारोह यहाँ पर जो है 29 और 30 तारीख को मई। पूज्य गुरुदेव जी, जैसे कि हिंदू सनातन धर्म में अनेक संगठन कार्य कर रहे हैं जी, तो आपका संदेश थोड़ा सा उनके लिए सकारात्मक दिशा में कार्य करें। चाहे पंथनों अनेक हों, पर हम सब हिंदू एक हों, कितने भी पंथों कितने भी मत हों, पर विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं वर्तमान में, ऐसी परिस्थितियों में हम सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा।